सो हेलो स्टूडेंट्स हमारी वन शॉट एन सीरीज में हम लोग आ गए थे अपने अगले पार्ट में और इस पार्ट में यानी आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन इसे हम एन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं और कॉमनली हम इसे एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से भरा हुआ ये चैप्टर है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम एक एक करके देखेंगे तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्सक्रीशन या जिसे हम कहते हैं एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर को जानने से पहले हमें एक पॉइंट को समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे सपोज करिए हमारा घर है हमारे घर में जो भी वर्किंग होती है चाहे किचन में कुकिंग होती है या जो भी हम घर में कोई काम करते हैं कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है कोई ना कोई वेस्ट निकलता है जैसे किचन से निकलता है किचन वेस्ट उसी तरह से हमारी बॉडी हमारी सेल्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से वेस्ट निकलता है और वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं सबको हम डिस्कस करेंगे उन्हीं वेस्ट का रिमूवल उनकी बॉडी से जो रिमूवल होता है उसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं और ये जो वेस्ट होते हैं ये कई तरह के वेस्ट पाए जाते हैं जैसे अगर हम बात करें कॉमनली ऑर्गेनिजम्स में केवल हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं हम मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो ये वेस्ट कैसे होते हैं भाई अमोनिया होता है यूरिया होता है यूरिक एसिड होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आयन लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फेट एंड सल्फेट आय आर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाई मीन ऑफ एक्सेस इंजेक्शन या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ये प्रोडक्ट होते हैं पेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या एक्सेस इंजेशन हो गया हो बॉडी में इनका जिनकी उतनी रिक्वायरमेंट ना हो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पहुंच गया हो बॉडी में और उसका भी रिमूवल किया जाता है सो दीज सबस्टेंसेज टू बी रिमूव टोटली और पार्शली तो इनमें से कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो टोटली रिमूव किए जाते हैं बॉडी से कुछ ऐसे हैं जो पार्शली रिमूव किए जाते हैं एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मेकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज एंड दे आर कॉमनली नोन एज नाइट्रोजनस वेस्ट और इस चैप्टर में हम इन मेटाबॉलिक वेस्ट जिन्हें हम कॉमनली नाइट्रोजन कंटेनिंग मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं उनके रिमूवल और उनके एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे कॉमन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो हैं अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड ये कॉमन है सो अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम एनी एनिमल जो किसी भी एनिमल से एक्सक्रीट होते हैं तीनों में कंपैरिजन आता है अमोनिया इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट टॉक्सिक एंड इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है और वाटर में बड़ा कम सोलबल होता है तो इसको डिजोल्व करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है अमोनिया एक्सक्रीट है। तो करते हैं दे आर फाउंड टू बी अमोनोटेलिक उन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है और वो एक्वेटिक होते हैं क्योंकि एक्वेटिक एम्बियंस में ही उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर मिल पाएगा जहां से वो

में इसको रिमूव किया जाता है ताकि बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंजर्व किया जा सके आगे इसके बारे में देखेंगे द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म तो जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है और इस फिन को अमोनोटेलिज्म कहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल मेनी बोनी फिशेज एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर तो ये तीन एग्जाम्पल हैं अमोनिया एज इट इज रेडली सोलिबल इट इज जनरली एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेस और थ्रू गिल्स इन फिशेज एज अमोनियम तो जनरली इनका जो एक्सक्रीशन है वो बॉडी सर्फेस के थ्रू होता है या फिशेज में गिल्स के थ्रू होता है और गिल्स जो है फिशेज में जब एक्सक्रीट करती हैं यानी गिल्स के थ्रू जब एक्सक्रीशन होता है अमोनिया का तो वो किस फॉर्म में होता है अमोनियम आयन के फॉर्म में याद रखना किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल यानी अमोनिया के रिमूवल में किडनी कोई भी फिशेज में अमोनिया के रिमूवल में किडनी भी कोई किडनी कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती यानी कोई भी रिमार्केबल रोल प्ले नहीं करती टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस फेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर तो जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए लेस वाटर का लॉस जो है कराते हैं यानी वाटर का कंजर्वेशन कराते हैं और वाटर का कंजर्वेशन कराते हैं जिसे जिसके लिए लेस टॉक्सिक फॉर्म में इन्हें रिमूव करना पड़ता है और वो चाहे तो यूरिक एसिड के फॉर्म में या यूरिया के फॉर्म में तो यूरिक एसिड और यूरिया ये दोनों ही टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है अमोनोटेलिज्म हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है हालांकि एनिमल्स अमोनोटेलिक नहीं होते इस बात को ध्यान रखना ऑल अमोनोटेलिक आर एक्वेटिक बट ऑल एक्वेटिक आर नॉट अमोनोटेलिक ठीक है इस बात को ध्यान में रखना है सो so, वाटर को कंजर्व करने के लिए लेस लॉस ऑफ वाटर हो तो उसके लिए मैमल्स एंड मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मरीन फिशेज यहां पे याद रखना मरीन फिशेज एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स तो मैमल्स कुछ एम्फीबियंस और मरीन फिशेज ये यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं और इन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है और ये टेरेस्ट्रियल होने का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मान सकते हैं अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इन द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाई किडनी तो हमारी बॉडी में सीधे यूरिया नहीं बनता जो बेसिक मेटाबॉलिक वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है यानी हाईली टॉक्सिक फॉर्म में रिलीज होता है लिवर उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और इस प्रोसेस को हम ऑर्नेथिन साइकिल या यूरिया साइकिल कहते हैं जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो अमोनिया इज फाउंड टू बी टू लैक टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया तो लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है जो दो लैख टाइम्स मोर टॉक्सिक अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है और इसलिए यूरिया को एक्सक्रीट करना हमारी बॉडी से जो है वो इजी हो जाता है सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन आवर किडनी टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलिटी सो कुछ एनिमल्स हैं जो पूरा यूरिया एक्सक्रीट नहीं करते उसका कुछ अमाउंट बॉडी में रिटेन कर लेते हैं और रिटेन क्यों करते हैं लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन और आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे कि कैसे उसका रिटेंशन हो रहा है, जो भी बन रहा है उसका हंड्रेड परसेंट एक्सक्रीशन नहीं होता ध्यान में रखना इस बात को रेप्टाइल्स बर्ड लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड दे आर यूरिकोटेलिक। सो रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट ये ऐसे एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करना बेसिकली जीरिक कैरेक्टर है जीरिक एडेप्टेशन है यानी वाटर स्कार्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए ऐसी जगहों पर सरवाइव करने के लिए जहां पर पानी की कमी हो वहां अपने आप को सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म एडोप्ट हो जाते हैं और वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं जिससे कि बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंजर्व किया जाता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं वो यूरिकोटेरिक कहलाते हैं और ये एक्सक्रीशन आइदर पैलेट के फॉर्म में पेस्ट के फॉर्म में या मैंने बोला क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो ये याद रखना है कौन कौन से अमोनोटेलिक होते हैं कौन कौन से यूरियोटेलिक होते हैं और कौन कौन से यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और क्यों उनमें क्या अडेप्टेशन है अगर हम एनिमल किंगडम का सर्वे करें तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं सबके एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर अलग अलग है मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेड जिनमें सिंपल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया सिंपल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करती हैं वर्टिब्रेट्स में हाईली कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन पाए जाते हैं जैसे कि हम किडनी की बात करते हैं तो जैसा डेवलपमेंट है उस तरह का डेवलप्ड ऑर्गन इनमें देखने को मिलता है प्रोटोनेफ्रिडिया जैसे कि हम बात करें और फ्लेम सेल्स या सोलिनोसाइड्स या वाइब्रेटिंग सेल्स भी कहते हैं आर द एक्सक्रिटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटी हेलमिनथीज या जिन्हें हम फ्लैटॉर्म कहते हैं तो फ्लैटवॉर्म में सोलिनोसाइड्स का पाया जाना एक रिमार्केबल कैरेक्टर है और वो उनका एक्सक्रिटरी स्ट्रक्चर है एंड रोटीफर्स ऑल्सो रोटीफर्स में भी पाए जाते हैं सम एलोकॉर्डेटा जैसे कि एम्फी एनेलिडा और सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विथ आयनिक एंड फ्लूड वॉल्यूम रेगुलेशन दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन तो एनेलिडा सिफेलोकोडेटा की बात करें तो इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं जिनका मेन फंक्शन वाटर बैलेंस करना है और वाटर बैलेंस को ही हम आयनिक फ्लूड बैलेंस बोलते हैं या ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं हालांकि एनेलिडा में हमें ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी मिलते हैं जिन्हें हम नेफ्रीडिया कहते हैं और वो अर्थवॉम और दूसरे एनलीड्स में मिलते हैं जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं एंड ऑल्सो द फ्लुइड बैलेंस और ऑस्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म करते हैं यानी ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन डूएल नेचर है डूएल फंक्शन है डूअल नेचर इनका देखने को मिल रहा है वहीं आर्थोपोड्स में अगर हम बात करें तो आर्थोपोड्स में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो आर्थोपोड्स को बिलोंग करते हैं जैसे कि कॉकरोचेस और मालपीजियन ट्रिब्यूल इनमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में का एक्सक्रीशन uh, और ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं सो so, कॉकरोच जो कि एक इंपॉर्टेंट स्पेसमैन हमने पढ़ा है हमारी जो लास्ट वीडियो थी आपने कॉकरोचेस को अगर स्टडी किया होगा ठीक है इससे पहले हमने एनिमल किंगडम और उससे पहले कॉकरोचेस को हमने देखा था तो वहां पर जो मालपीजियन ट्रिब्यूल की बात हो रही है वो डुअल फंक्शन शो कर रहा है एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन हालांकि कुछ और भी आर्थोपोड्स हैं जैसे प्रॉन्स हो गए क्रस्टेशियंस हो गए इनमें एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं विच परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन सो so, इनमें एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए कुछ और भी ग्लैंड होते हैं जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड कहते हैं ये किस में पाए जाते हैं सम ऑफ द क्रस्टेशियंस यानी एक्वेटिक जो आर्थोपोड्स हैं जैसे कि प्रॉन्स में ये पाए जाते हैं ह्यूमन में हम एक्सक्रिटरी सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी में जो मेन एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है वो एक सिस्टम है जिसे हम एक्सक्रिटरी सिस्टम कहते हैं और जो प्राइमरी एक्सक्रिटरी ऑर्गन है वो है किडनी ठीक है प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी तो अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में वन पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है वन पेयर ऑफ यूटरस पाया जाता है हर एक किडनी एक ट्यूब से कनेक्ट होती है यूटरस सॉरी यूरेटर नॉट यूटरस यूरेटर पाया जाता है अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा नाम एक जैसे हैं तो कभी कभी टंग ऑफ स्लिप हो जाता है ठीक है उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है किडनी आर रेडिश ब्राउन किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है बीन शेप होता बोलते है बोलते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी तो बोलते हैं बीन शेप फिर बोलते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ बीन तो बोलते हैं किडनी शेप एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रिक क्लोज टू डॉर्सर इनर वॉल ऑफ कैविटी अब ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बोला गया है कि ये किसके किसके बीच प्रेजेंट होती है लास्ट थोरेसिक यानी T12 ट्वेल्व लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर यानी L3 तो T12 और L3 के बीच में पाई जाती है किडनी अपर लेवल टी के लेवल पे होता है और लोअर लेवल एल थ्री के लेवल यानी लंबर थ्री के लेवल पे होता है बीन शेप होता है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग मिलेगी लेंथ टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर वेथ फाइव टू सेवन सेंटीमीटर एंड थिकनेस टू टू थ्री सेंटीमीटर एवरेज वेट हमें मिलता है वन ट्वेंटी से वन सेवेंटी ग्राम इसकी जो पोजीशन पाई जाती है थोड़ी सी बैकवर्ड होती है अबडोमिनल कैविटी में जिसे रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं ठीक है सो so, पोजिशन रेट्रोपेरिटोनियल एवरेज वेट कितना है 120 से 170 ग्राम और इसमें सेंटर की तरफ एक नॉच प्रेजेंट होता है उस नॉच को हम हाइलम कहते हैं इसी नॉच में थ्रू विच यूरिटर ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर यहीं से यूरेटर ब्लड वेसल और नर्व एंटर करती हैं इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड एज रीनल पेल्विस एंड प्रोजेक्शन आर नोन एज कैलेक्सिस तो हाइलम के अंदर हमें एक फनल शेप का ब्रॉड स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम रीनल पेल्विस बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूछा जाता है और ये रीनल पेल्विस कलेक्ट होता है उसमें प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन प्रोजेक्शंस को कैलेक्सेज कहा जाता है और यूनिट को हम कैलिक्स कहते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे द आउटर लेयर द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल इसकी जो आउटर लेयर है वो एक टफ कैप्सूल है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं इन साइड द किडनी देर आर टू जोन किडनी के अंदर दो जोन प्रेजेंट होते हैं आउटर जोन को कार्टेक्स और इनर जोन को मेडुला का जाता है किडनी का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन फॉर्मेशन करता है किडनी की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कॉर्टेक्स जो है वो मेडुला में एमडेड पाए जाते हैं तो मेडुलाइज डिवाइडेड इन टू फ्यू कोनिकल मासज नोन एज मेडुलरी पिरामिड हमें यहां पर ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है एंड दे ओपन्स इन कैलेक्सेज और ये कैलिक्स में ही ओपन होते हैं हमने बोला सिंगल को यूनिट को कैलिक्स कहते हैं द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुला पिरामिड एज रीनल कॉलम एंड नोन एज कॉलम ऑफ बर्टिनी ध्यान से सुनना हम इस डायग्राम को देखेंगे और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है हम देख रहे हैं ये किडनी है किडनी पर ऊपर जो है इसमें एक टफ कवरिंग है जिसे हम रीनल कैप्सूल कह रहे हैं इसके अंदर हमें दो पार्ट दिख रहे हैं ऊपर जो बाहर वाला पार्ट है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं ये डॉटेड लाइन के बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है और अंदर वाला पार्ट मेडुला मेडुला में हमें ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर पिरामिड और इन पिरामिड्स में पतली पतली डक्ट पाई जाती हैं जिन्हें डक्ट ऑफ बर्टिनी या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है ये पिरामिड्स में प्रेजेंट होती हैं ये पिरामिड्स ओपन होते हैं इन प्रोजेक्शंस में जिन्हें हम कैलिक्स कहते हैं और ये कैलिक्स शेप स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं जिस फनल को हम रीनल पेल्विस कहते हैं वो आगे जाके यूरिटर बनता है यहां पर रीनल आर्टरी एंटर करती है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है रीनल वेन बाहर जाती है जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है तो ये इसकी ब्लड सप्लाई जो नॉच प्रेजेंट है इस नॉच को हाइलम कहते हैं जहां पर यूरेटर रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी वेन और जो नर्व्स हैं वो अटैच होती हैं या एंटर करती हैं किसमें किडनी में ठीक है तो ये हमें स्ट्रक्चर दिखता है अब बात आती है कि ईच किडनी हैज नियरली वन मिलियन ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नोन एज नेफ्रॉन अब ये क्या होता है हमने बोला कि किडनी का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन और वो फंक्शन बेसिकली किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट परफॉर्म करती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं तो कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जो कॉर्टेक्स में होते हैं लेकिन उनका मेजर पार्ट मेडुला में हैंग करता हुआ पाया जाता है उन्हें जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है देखेंगे यहां पर अभी इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उससे उसकी वजह से हम इनके डिफरेंसेस को समझ पाएंगे सो so, किसी भी नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो उसमें हमें दो पार्ट्स मिलते हैं एक उसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मिलता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं और ट्यूबुलर पार्ट मिलता है जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी जिसमें ब्लड एंटर करता है एफरेंट आर्टेरियोल से विच इज अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी और ब्लड बाहर जाता है ईफरेंट आर्टेरियोल से जो बाहर जाके रीनल वेन को ज्वाइन करता है जो रीनल टिब्यूल है यानी ट्यूबुलर पार्ट है का उसमें एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर जैसे ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस अलोंग विद बाउमेन कैप्सूल इज नोन एज मालपीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोमेरुलस और उसको सराउंड करने वाला शेप स्ट्रक्चर दोनों को एक साथ हम मालपीजियन बॉडी या रीनल कारपसल कहते हैं देखेंगे हम स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें ये ब्लड वेसल और इसका पूरा नेटवर्क दिख रहा है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी जिसे हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं जिससे ब्लड आता है ए फ्रंट आर्टेरियल जिससे ब्लड जाता है ई फ्रंट आर्टेरियल हालांकि इफरेंट आर्टीरियल का ल्यूमेन नैरो होता है इन कंपेरिजन टू एफरेंट विच हेल्प इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा आगे हम डिस्कस करेंगे इसी ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा है एक डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर और इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बाउमेन कैप्सूल कह रहे हैं और बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरोलस को एक साथ हम मालपीजियन बॉडी कह रहे हैं इसके नीचे फिर हमें नेफ्रॉन का बाकी ट्यूबलर पार्ट मिलेगा जिसमें हम पी फिर यहाँ पर एक नीचे हमें लूप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा हेयर पिन लाइक जिसे लूप ऑफ एन ले और ऊपर हमें ब्रॉड पार्ट मिलेगा जिसे हम डी सी टी कह रहे हैं। तो ये हमें अलग अलग पार्ट मिलेंगे किसके नेफ्रॉन के थोड़ा सा डिटेल थ्योरेटिकल पहले देख लेते हैं द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉयल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नोन एज प्रोजिमल कॉन्विटेड टिब्यूल तो यहाँ पर जो बाउमिन कैप्सूल के बाद का जो ट्यूबुलर पार्ट है इसे प्रोक्िमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कहा जाता है हालांकि अगर हमें कंफर्टेबली इस डायग्राम को देखना है तो हम ये डायग्राम देखेंगे यहाँ पर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा बाउमिन कैप्सूल और बाउमिन कैप्सूल के बाद जो ट्यूबुलर पार्ट दिख रहा है ये पी सी टी है उसके बाद एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर लूप दिख रहा है जिसे हम लूप ऑफ हेनले कह रहे हैं उसके बाद फिर एक ब्रॉड पार्ट दिख रहा है जिसे हम डीसीटी या डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्रिब्यूल कहते हैं फिर ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल जाके एक बड़ी ट्यूब को ज्वाइन करता है जिसमें इसके जैसे कई और नेफ्रॉन ओपन होते हैं इस ट्यूब को हम कलेक्टिंग डक्ट कह रहे हैं ठीक है सो मालपीजियन बॉडी प्रोगल कॉन्विटेड ट्रिब्यूल लूप ऑफ हेनले डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्रिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट दीज आर द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन यहां पर यह डायग्राम काफी जो है कंजेस्टेड फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए इसको इलेबोरेट किए बिना समझना मुश्किल है लेकिन एक बात और याद रखना है जो ईफरेंट आर्टल यहां से बाउमेन कैप्सूल से बाहर निकलती है ये फिर घूम कर वापस आती है और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कहा जाता है या इसे हम वासारेक्टा के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं याद रखना है ये नाम बार बार डिस्कशन में आएगा तो जो ट्यूबुलर पार्ट का शुरुआती हाईली कॉइल्ड पार्ट है जिसे प्रोक्मल कॉन्वेटेड कहते हैं उसके बाद हमें हमने बोला एक लूप मिलता है जो कि हेयर पिन शेप का होता है जिसे हैनलेज लूप या लूप ऑफ हैनले कहते हैं विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंप अब डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब हम डायग्राम में देख पाएंगे जो लूप ऑफ एनले का वो पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है वो डिसेंडिंग लिंब है लूप ऑफ एनले का वो पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग लिंब है ठीक है याद रखना कंफ्यूज नहीं होना सो so इसके हमें दो पार्ट मिलते हैं डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज एन अदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो हमने देखा अभी डिस्टल कॉनलीटे ट्रिब्यूल और वो जाके ज्वाइन करेगा कलेक्टिंग डक्ट को और कलेक्टिंग डक्ट में इसके जैसे कई और नेफ्रॉन ओपन होते हैं फिर कलेक्टिंग डक्ट विच मे विच कन्वर्स एंड ओपन इन रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड एंड पिरासिस तो ये कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में ओपन होता है थ्रू मेडुलरी पिरामिड एंड पिरासिस जो हमने कैलेक्स पढ़े अब मालपीजियन बॉडी यानी मालपीजियन कार्पसल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन इज सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन कई ऐसे नेफरॉन है जिनमें मालपीजियन बॉडी पी और डी सी ये कॉर्टिकल पार्ट में पाए जाते हैं और इनका लूप ऑफ एनले बहुत छोटा होता है या नहीं होता है इन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं कुछ ऐसे हैं जिनका लूप ऑफ एनले बहुत लॉन्ग होता है और वो डिप करता है कहाँ तक मेडुला तक उन्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है तो जिसमें लूप ऑफ एनले बहुत शॉर्ट होता है उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं जिनका लूप ऑफ एनले बहुत लॉन्ग होता है और मेडुला में मर्ज होता है मेडुला तक एक्सटेंड होता है उन्हें हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं दोनों नेफ्रॉन अलग अलग हैं जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है दे आर नॉट कंसर्न विथ मेजर रीअबॉर्बशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन और कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है जिसका लूप ऑफ एनली ज्यादा लंबा है वही मेनली कंसर्न होता है किससे कंसर्न होता है कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन और वाटर के एब्सॉर्प्शन से द एफरेंट टार्टीरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपेलरीज जिसे हम वासारेक्टा कह रहे हैं और यह कैसा होता है यू शेप होता है और पैरेलल रन करता है किसके लूप ऑफ एन लेके वसारेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिनका यूरिन के कंसेंट्रेशन में और वाटर एब्जॉर्प्शन में मेजर फंक्शन है नहीं तो उनके उनमें जो वासा रिक्टा है वो हाईली रिड्यूस होता है और उन्हीं में ज़्यादा डेवलप पाया जाता है जिनमें जो कि जो एक्स्ट्राम नेफ्रॉन है और ज़्यादा कंसर्न उनका है किससे कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन और वाटर के रीऐब्जॉर्पन से फिर बात आती है यूरिन फॉर्मेशन की तो यूरिन क्या है किडनी का जो मेन फंक्शन है वो यूरिन फॉर्मेशन यूरिन के फॉर्म में ही ये यूरिया को एक्सक्रीट करता है और यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी का फंक्शन है वो मेनली होता है कहां पर नेफ्रॉन के अंदर तो जो किडनी का फंक्शन है वो एग्जैक्टली exactly नेफ्रॉन का फंक्शन है सो यूरिन फॉर्मेशन जो है इट इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स इसमें तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव सिक्रीशन एंड सेलेक्टिव रीएब्सऑप्शन या हम ऐसे भी बोल सकते हैं अल्ट्राफिल्टरेशन सेलेक्टिव रीएब्स एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन अब इस पॉइंट को हमें ध्यान से देना है देखना है यूरिन फॉर्मेशन एग्जैक्टली है क्या सो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व मेनली थ्री प्रोसेसेस आर एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं रीएब्सऑप्शन कैसा रीएब्सऑप्शन सेलेक्टिव रि एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ये नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं और इन सबके अलग अलग फंक्शन हमें देखने को मिलते है द फर्स्ट स्टेप जो पहला स्टेप है वो कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी ग्लोमेरुलस में होने वाला फिल्ट्रेशन किसका फिल्ट्रेशन ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ऑन एन एवरेज अबाउट 1100 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड एम ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट तो पर मिनट किडनी 1200 हंड्रेड ब्लड ट्वेल्व हंड्रेड ब्लड रिसीव करता है जिसे रीनल ब्लड फ्लो कहा जाता है रीनल ब्लड फ्लो इसका फिफ्टी प्लाज्मा होता है यानी लगभग 600 हंड्रेड जिसे रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं तो 1200 हंड्रेड ब्लड हो गया और 600 हंड्रेड प्लाज्मा हो गया जिसे रीनल प्लाज्मा फ्लो कहा जाता है अब इसको कंपेयर किया गया जो 1200 हंड्रेड पर मिनट ब्लड आ रहा है विच इज फाउंड टू बी वन फिफ ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय हार्ट तो ये कार्डियक आउटपुट का वन फिफ्थ पार्ट है कार्डियक आउटपुट क्या है याद रखना हो वन मिनट में जितना ब्लड पंप होता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं कहा से पंप होता है हार्ट से तो हार्ट का वेंट्रिकल एक मिनट में जो ब्लड पंप कर रहा है उसका वन फिफ्थ है जो किडनी को सप्लाई हो रहा है यानी आउटपुट का वन फिफ्थ है रीनल ब्लड फ्लो विच इज द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाइड टू किडनी जो किडनी को सप्लाई किया जाता है द ग्लोमेर द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू थ्री लेयर कौन कौन सी थ्री लेयर है द एंडोथिलियम द ग्लोमेरोलर ब्लड वेसल एंडियम ऑफ बाउमेन कैप्सूल जो ग्लोमेरोलस में ब्लड आ रहा है जिस प्रेशर से आ रहा है उसी वही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन के लिए और ग्लोमेरोलस में फिल्ट्रेशन होता है जिससे फिल्टरेट का फॉर्मेशन होता है और थ्री लेयर्स इन्वॉल्व होती है कौन कौन सी थ्री लेयर्स है याद रखना है

कुछ पोर्स पाए जाते हैं पोर्स मिलते हैं जिन्हें स्लिट पोर्स कहा जाता है और इन्हीं स्लिट पोर्स की वजह से ये फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है जिससे ब्लड से फिल्टर होके एक कलरलेस फ्लूड बनता है और वो फ्लूड बाउमेन कैप्सूल के ट्यूबुलर पार्ट की तरफ मूव करता है बाउमेन कैप्सूल में और फिर आगे ट्यूबुलर पार्ट की तरफ मूव करता है जिसे फिल्ट्रेट कहते हैं सो so, हमने बोला कि बाउमन कैप्सूल में पोडोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं जिनके बीच में माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं इन्हें स्लिट पोर्स कहते हैं इन्हीं की वजह से फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है और फिल्ट्रेट बनने के बाद बाउमिन कैप्सूल में पहुंचता है देरफोर दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं अब कितना फिल्ट्रेट बनता है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है ये भी मजे की बात है हमने बोला ट्व हंड्रेड एम ब्लड पर मिनट किडनी को जा रहा है उसका फिफ्टी परसेंट प्लाज्मा है तो रीनल ब्लड ब्लड फ्लो है ट्वेल्व हंड्रेड एम तो रीनल प्लाज्मा फ्लो हो जाएगा सिक्स हंड्रेड एम और सिक्स हंड्रेड एम का लगभग वन फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा ज्यादा वन फिफ्थ से थोड़ा ज्यादा यानी रीनल ब्लड फ्लो का लगभग वन टेंथ पार्ट बनता है फिल्ट्रेट पर मिनट एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना उसे बोलते हैं जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और ये होता है 125 ट्वेंटी फाइव एम पर मिनट और इस हिसाब से कंपेयर करेंगे तो एक मिनट में लगभग 125 ट्वेंटी बना है और इस पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक दिन में लगभग 180 लीटर का फिल्ट्रेट बनेगा ये अमाउंट ऑफ ब्लड से ही बनेगा तो ब्लड 5 लीटर है और उसको बार बार फिल्टर करके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परफॉर्म किया जाता है जिससे लीटर लीटर ऑफ फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट इन डे एक दिन में 180 का फिल्ट्रेट बनता है अब यहां से किडनी का एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टार्ट हो जाता है है कि जितना ये फिल्ट्रेट बना इसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो न्यूट्रिशियस है मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो बेनिफिशियल है उन्हें बॉडी में वापस लिया जाना जरूरी है और अगर मैं बात बताऊं साफ तौर पे आगे हम पढ़ेंगे यहां मैं बता दे रहा हूं 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअबॉर्ब अगेन उसे बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है किस प्रोसेस से सेलेक्टिव रीअब्सॉशन से और केवल 1% जो फिल्ट्रेट है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है जिसे हम यूरिन बोलते हैं यानी लगभग 1.8 लीटर पर डे आगे इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे द किडनी हैुलर फिल्ट्रेशन रेट ये एक एडिशनल पॉइंट हालांकि इसकी यहां जरूरत नहीं लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं अगर कभी ये जी कम होने लगे तो हमारी बॉडी में एक और एक्शन एक मेकेनिज्म पाया जाता है जिससे बॉडी जी की रेट को बढ़ा देती है और वो होता है कुछ सेल्स की मदद से जिन्हें जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहा जाता है एंड दीज सेल्स आर प्रेजेंट बाई मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टिटल ट्रिब्यूल एंडल ट्रिब्यूल और मॉडिफिकेशन से बनता है और ये रन इन सिक्रिएट करता है जो जी एफ आर के लेवल को फिर बढ़ा देता है तो ये एक डिफेंस मेकेनिज्म की तरह आगे यूज होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे यहां अभी इसकी बस यही समझो कि जे जी ए सेल्स एक्ट करती हैं जो जरूरत पड़ने पर जी एफ आर की रेट को बढ़ा देती है कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्टरेड फॉर्म पर डे इज 180 एटी लीटर एंड दट ऑफ यूरिन इज से लेके 1.8 लीटर जो है वो पार्ट यूरिन में नहीं जाता है केवल 1 परसेंट पार्ट जाता है सो so, रिमेनिंग 99 नाइन परसेंट इज अगेन री एब्सॉर्ब इन बॉडी फ्रॉम द रीनल टिब्यूल्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज री और स्पेसिफिकली टू टेल एज

कई ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिन जिनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है कई ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है तो देखते हैं किसका किसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड सोडियम इन द फिल्ट्रेट आर री एब्जॉर्ब एक्टिवली तो जो फिल्ट्रेट बना उसमें ग्लूकोज अमीनो एसिड और सोडियम इनको एक्टिवली यानी एनर्जी खर्च करके रीअब्सॉर्ब करते हैं वेयर इज द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट वहीं नाइट्रोजनस वेस्ट हमने बोला लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया इसे पैसिवली एब्सॉर्ब किया जाता है री ऑफ वाटर ऑल्सो आकर पैसिवली इन द इंटरस्टिशियल सेगमेंट ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट में यानी पीसीटी वाले पार्ट में वॉटर का एब्जॉर्बिवली होता है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलस सिक्रीशन ट्यूबुलस सेल सिक्रीट लाइक एच प्लस आयन पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इन टू द फिल्ट्रेट तो सेलेक्टिव सिक्रीशन की भी हमने बात करी थी और सेलेक्टिव सिक्रीशन की बात करी तो सेलेक्टिव सिक्रीशन तो किसका होता है एच प्लस आयन का के प्लस आयन एंड अमोनिया का इन तीनों का सिक्रीशन होता है ये अगर हम बात करें तो सिक्रीट किए जाते हैं कहाँ पर इनका सिक्रीशन होता है फिल्ट्रेट की तरफ सो ट्यूबल सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन टू मेंटेन द आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूड और ये सिक्रीशन क्यों होता है आयनिक बैलेंस और बॉडी फ्लूड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए तो इन्हीं को हमें डिस्कस करना है जो हमने अभी थियरी पढ़ी अभी इन्हीं को हम डायग्राम में देखेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल पे आते हैं सबसे पहले पीसीटी की बात करें मेजर पोर्शन है जहां पर न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन होता है डल ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा है इंक्रीज द सर्फेस एरिया माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जिससे सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और जितना भी हमने ओवरऑल न्यूट्रिएंट की बात करें तो उसमें से 70 से 80 परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर री बाय दिस सेगमेंट यहां पर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन टू एवंटी से 80 परसेंट पार्ट जो है रीएब्सॉर्ब हो जाता है पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पी एच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड बाई सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया एंड पोटेशियम आयन जो भी हमने पढ़ा कि आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ सब्सटेंसेज का सिक्रीशन करता है एंड बाई एब्जॉर्बशन ऑफ बाई कार्बोनेट फ्रॉम इट तो जिसका सिक्रीशन कर रहा है एच प्लस आयन अमोनिया और के प्लस आयन का उसके एक्सचेंज में बाई कार्बोनेट को एब्सॉर्व करता है लूप ऑफ एनले की बात करें तो री एब्सॉप्शन इज मिनिमम मिनिमम इन असेंडिंग लिंब और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दिस रीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई एस्ट ऑफ मेडुलरी इंटरस्ट्रिशियल फ्लूड तो मेडुला में जो इंटरस्टिशियल फ्लूड होता है उसकी ऑस्मुलरिटी को मेंटेन करने के लिए ये पार्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले इज परमिएबल टू वॉटर बट ऑल्सो ऑलमोस्ट इम्परमीएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट तो डिसेंडिंग लिम जो है वॉटर के लिए परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट्स और जैसे सॉल्ट के लिए इम्परमीएबल या ऑलमोस्ट इम्परमीएबल है दिस कंसेंट्रेट द फिल्ट्रेट एट इज एज इट मूव डाउन तो जब फिल्ट्रेट नीचे जाएगा उसमें से ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और फिल्टरेट कंसनट्रेटेड होता है हुआ लूप ऑफ एनले में नीचे की तरफ जाएगा द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमीएबल टू वॉटर बट ऑलमोस्ट अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट एक्टिवली इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली देर फॉर द अपवर्ड इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द मेडुलरी फ्लूड तो इसका उल्टा होता है असेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाता है असेंडिंग लिम्ब में उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्बन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट होने लगता है वहीं डिस्टल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल की बात करें कंडीशनल री ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट कंडीशनल यानी जरूरत होगी तो एब्जॉर्ब होगा नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगा और जरूरत होगी तो एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाएगा यानी एनर्जी खर्च करके एब्जॉर्ब किया जाएगा कहां पे डीसीटी में डीसीटी इज ऑल्सो केपेबल ऑफ री एब्जॉर्न ऑफ बाई कार्बोनेट एंड सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनिया टू में पी एच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड तो वही जो सेलेक्टिव सिक्रेशन पीसीटी में हो रहा था यहां पर भी सेलेक्टिव सिक्रीशन होगा एच प्लस आयन के प्लस आयन और अमोनिया का और उसके एक्सचेंज में बाई कार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होगा देखेंगे इस डायग्राम को अभी तक हमने जो थियरी पढ़ी वो सारी थियरी समझ लेंगे लेकिन ये एब्जॉर्बन होता कहाँ है और सिक्रीशन होता कहाँ है इस बात को समझना है हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वासा रेक्टा है और वो वासा रेक्टा कुछ ऐसा है ठीक है हमने बोला नेटवर्क है कैपिलरीज का और वो कुछ ऐसा प्रेजेंट है इसके पैरल प्रेजेंट है उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है और नेफ्रॉन के अंदर जो है फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है हालांकि दोनों का फ्लो एक दूसरे के एंटी पैरल होता है और इसी की वजह से इनके बीच एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन री एब्सॉर्प्शन सिक्रीशन मैक्सिमम हो पाता है ठीक है एंटी पैरल होता है सो तो एंटी पैरल जब ये मूव करते हैं तो उसी को काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहा जाता है कि जब दो फ्लूड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है तो उनके बीच होने वाला इंटरेक्शन मैक्सिमम होता है और इसी को काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहते हैं इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है आगे बात आती है तो देखेंगे किसका किसका एब्जॉर्प्शन हुआ तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है एरो के डायरेक्शन को जो एरो इस ट्यूब से बाहर जा रहा है उसका रीएब्जॉर्प्शन और जो एरो इस ट्यूब की तरफ जा रहा है उसका सिक्रीशन हो रहा है ठीक है अब देखते हैं मैंने बोला जो एरो बाहर जा रहा है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो बाईकार्बोनेट एन एसीएल वाटर और न्यूट्रिएंट ये रीअब्सॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट 100 हंड्रेड परसेंट रीअब्सार्ब होते हैं अगर यहां पे ग्लूकोज को हम न्यूट्रिएंट माने तो वो 100 परसेंट वाइटामिन न्यूट्रियट ये हंड्रेड परसेंट रीअब्सॉर्ब होते हैं साथ ही यहां पर हम देख रहे हैं पोटेशियम भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है जबकि हमने अभी बात करी है कि पोटेशियम का सिक्रीशन पाया जाता है तो याद रखना है कि पोटेशियम एक ऐसा अकेला ऐसा आयन या सब्सटेंस है जो रीअब्जॉर्ब भी होता है और सिक्रीड भी होता है ठीक है बाकी जितने हैं वो या तो रीअब्जॉर्ब होंगे या सिक्रीट होंगे पोटेशियम अकेला ऐसा है जो रीअब्जॉर्ब भी होगा और सिक्रीट भी होगा तो इसीलिए ये हमें दोनों जगह पर मिलेगा तो यहां पर थियरी में तो इसके सिक्रीशन की बात लिखी हुई है यहां पर इसके एब्जॉर्प्शन का डायग्राम बना हुआ है तो ध्यान में ये रखना है पोटेशियम इज द ओनली सब्सटेंस और आयन और एलिमेंट विच इज बोथ सेलेक्टिवली सिक्रीटेड और सेलेक्टिवली री H प्लस आयन सेलेक्टिव सिक्रीशन अमोनिया सेलेक्टिव सिक्रीशन कहा पीसीटी में हम बात कर रहे थे डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ एनले की तो यहाँ पे केवल वाटर का हमें दिख रहा है रीएब्सऑप्शन और जैसे जैसे वाटर का रीअब्सॉप्शन होगा फिल्ट्रेट यहाँ नीचे जाएगा तो उसका कंसेंट्रेशन बढ़ता हो जाएगा फिर जब ऊपर आएगा तो केवल यहाँ पे हमें सॉल्ट का री दिख रहा है तो वो और ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा डीसी टी में या बोला जाए असेंडिंग लिम में आते हुए यहां पर भी एन एस सी एल का एब्जॉर्प्शन होगा वो और ज्यादा डाइल्यूट होगा डीसी वाले पार्ट की बात करें तो एन एस एल रीअबॉर्ब हो रहा है बाई कार्बोनेट रीअबॉर्ब हो रहा है पोटेशियम आयन एच प्लस आयन और अमोनिया यहां अमोनिया नहीं बना है हमें बना लेना है अमोनिया का सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है तो हमें दोनों बात ध्यान रखनी है पोटेशियम आयन यहां पर क्या हो रहा है सेलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा है और यहां पर दिखाया गया है सेलेक्टिव री हो रहा है तो पोटेशियम आयन का अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका सेलेक्टिव सिक्रेशन भी होता है और सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन भी होता है फिर बात आती है लूप ऑफ एनले की सो लूप ऑफ लूपले की बात करें तो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज री एंड लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया इज एब्सॉर्ब्ड ठीक है यूरिया का रीअबॉर्ब्शन नहीं होता यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है बार बार हम ये रीअब्सॉर्पन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जितने भी ये एलिमेंट है ये एक बार इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुके हैं और यूरिया तो लिवर में बना है ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो बाकी सभी एलिमेंट का रीअबॉर्प्शन होता है अकेला यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है ये बात ध्यान रखना ठीक है बाकी सभी एलिमेंट रीअबॉर्ब होते हैं क्योंकि वो पहले आर्ट आड... पहले जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुके हैं यूरिया पहली बार एब्जॉर्ब हो रहा है इसलिए ये री एब्सॉर्प्शन नहीं कह रहा है ये अभी लिवर में बना है और लिवर से बन के ब्लड से यहां आ गया है तो ये पहली बार एब्सॉर्ब हो रहा है इसलिए यूरिया का एब्सॉर्ब्शन होता है और बाकी सभी का रीएब्सॉर्ब्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पे लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज री एब्सॉर्ब एंड यूरिया इज एब्सॉर्ब सो दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तो यहाँ से जो वॉटर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद जो फिल्टरेट का पार्ट बचेगा जो नीचे की तरफ जाएगा वो क्या कहलाएगा यूरिन अब बात हो रही है कि दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम द मेडुलरी इंटस्टिशियम टू कीप अप दिटी तो जो हम बात कर रहे थे कि दे आर आइदर टोटली एक्सक्रीटेड और पार्शली एक्सक्रीटेड तो उसमें यूरिया की ही बात यहां पर आई है कि यूरिया का कुछ अमाउंट रीअब्सॉर्ब होता है बॉडी में जिससे कि ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके इट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पी एच एंड आयनिक बैलेंस इन बॉडी बाय द सेलेक्टिव रीएब्सॉर्पन ऑफ एच प्लस एंड के प्लस आयन और एच प्लस और के प्लस आयन के साथ मिलकर ये बॉडी फ्लूइड के कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है कौन यूरिया फिर आते हैं जो जो फिल्ट्रेट जैसे जैसे पास हो रहा था पीसीटी लूप ऑफ एनले डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में वैसे वैसे उसके कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं सो मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जिससे फाइनली यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूसेंट्रेटेड यूरिन मैमल्स में एबिलिटी है द हेनले लूप एंड वासा वासारेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस इसमें लूप ऑफ एनले और वासा वासारेक्टा के बीच एक्सचेंजेस होते हैं जिसकी वजह से यूरिन का कंसेंट्रेशन बढ़ता है द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ एनले इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म अ काउंटर करेंट मैकेनिज्म तो एक काउंटर करेंट बनता है हमने बोला वासा वासारेक्टा में ब्लड और ट्यूबुलर पार्ट में फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरल मूव करते हैं जिससे जिसकी वजह से इनके बीच इंटरेक्शन मैक्सिमम होता है ये ठीक उसी तरह है दो गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए एक दूसरे से टकरा जाए तो उनके बीच में इंटरेक्शन मैक्सिमम मिलेगा वैसे ही ये फ्लूड भी है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसलिए इनके बीच में एक्सचेंजेस मैक्सिमम हो रहे हैं जो कि काउंटर करेंट कहलाता है या काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहलाता है द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासारेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करेंट पैटर्न जो फ्लूड है वो काउंटर करंट पैटर्न में है द प्रोक्मिटी बिटवीन द लूप एंड दूप रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करेंट हेल्प इन देम टू मेंटेनिंग द लेवल इनर मेनिंग फ्राम थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल इन द कॉर्टेक्स टू ट्वेल्व हंड्रेड मिली ऑस्मोल इन द इनर मेडुला दिस ग्रेडियंट इज मेनलीज्ड बाई एन एस सी एल एंड यूरिया समझो इसको बात को ध्यान से हम जब फिल्ट्रेट के कंसेंट्रेशन को मेजर करते हैं देन इट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मिली उसे मिली के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं इट इज यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन जैसे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मोलैलिटी यूनिट है उसी तरह से मिली ऑस्मोल भी कंसेंट्रेशन की ही एक यूनिट है तो जहाँ हमें मिली ज्यादा मिलेगा वो ज़्यादा कंसेंट्रेटेड है जहाँ पर हमें मिली कम मिलेगा वो कम कंसेंट्रेटेड है सो so नॉर्मली जब फिल्ट्रेट बनता है तो उसका ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन हमें 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोल मिलता है जो लगभग लगभग ब्लड के बराबर है और ब्लड का भी ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन हमें 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोल मिलता है लेकिन जैसे जैसे ये लूप ऑफ एनले में नीचे की तरफ जाता है हमने बोला था टर्मिनल पार्ट में देखेंगे जैसे जैसे इसमें से न्यूट्रियट और वाटर का एब्जॉर्बशन होता है इसका कंसेंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ने लगता है और कहां तक पहुंच जाता है ट्वेल्व हंड्रेड मिली ऑस्मोल तक यानी फिल्ट्रेट से लगभग फोर टाइम्स ज्यादा 1200 हंड्रेड मिली ऑस्मोल और यही आगे भी हमें कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा फिर क्या है असेंडिंग में जाते ही इसका कंसेंट्रेशन कम होने लगता है और इतना कम हो जाता है कि फिल्ट्रेट से भी कम हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है तो यहां पर देखना फिल्ट्रेट है 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोल यहाँ ट्वेल्व हंड्रेड मिली ऑसमोल यानी ये हाइपरटॉनिक है फिर यहाँ हमें देखेंगे पोजीशन को देखेंगे ए पोजीशन है 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोल बी पोजीशन है 1200 हंड्रेड मिली ऑस्मोल हाइपरटोनिक है सी पोजीशन है 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोल आइसोटॉनिक है डी पोजीशन है 200 हंड्रेड मिली ऑसमोल हाइपोटॉनिक है फिर बीच में यहाँ पर भी कहीं हमें 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोल मिलेगा जो कि ई पोजीशन होगी आइसोटॉनिक होगा और उसके बाद इसका कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और जब यहाँ से यूरिन निकलेगा तो उसका कंसेंट्रेशन हमें ट्वेल्व हंड्रेड मिली ऑसमोल यानी मौसम 1200 मिलेगा ठीक है तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फाइनली जो यूरिन बनता है इट इज फाउंड टू बी फोर टाइम्स मोर कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट से फोर टाइम्स ज्यादा कंसेंट्रेटेड है अब जो असेंडिंग लिम में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उसका एक रीजन है यूरिया का एब्जॉर्ब यूरिया के एब्सॉर्ब होने की वजह से ये कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है NaCl is transported by the ascending limb, which is exhausted with the descending limb of vasarecta. तो जो descending limb of loop of Henle में absorb होता है, वो पहुँचता है ascending limb of vasarecta में. तो जैसे-जैसे loop of Henle में concentration बढ़ेगा, उसी के opposite pattern में concentration बढ़ेगा किसमें? vasarecta में. ठीक Vasa है? ये याद रखना. है. सो द एब डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ एनले एंड वासारेक्टा कॉल्ड द काउंटर करेंट मैकेनिज्म तो सब्सटेंसेज का एक्सचेंज हो रहा है और एक्सचेंज होने की वजह से इनके कॉन्सेंट्रेशन बड़ी स्ट्रांगली वेरी करते हैं और इसी को कहा जाता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसेंट्रेशन डिफरेंस यही मैकेनिज्म कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन करने में एक्ट करता है डिफरेंस कहां एंड ईजी फेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब देयर बाय कंसनट्रेशन द फिल्ट्रेट यूरिन ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली फोर टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड इनिशियल फिल्टरेट फॉर तो 1200 मौसम तक यूरिन का कंसेंट्रेशन पाया जा सकता है जो कि फिल्ट्रेट से फोर टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड है नेक्स्ट बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की तो एक बात ध्यान में रखना कि हमारी किडनी में एक एमरजेंसी सिस्टम भी पाया जाता है जिसको मैं यहाँ पर थियोरेटिकली लिखा है मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा एक इमरजेंसी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी पाया जाता है फंक्शन सिस्टम पाया जाता है जिसे रास सिस्टम कहते हैं यानी रेनिन, इन एनजियोटेंसिन सिस्टम किसी भी रीजन से अगर जो जी है वो कम बने किसी भी रीजन से अगर जी का वॉल्यूम कम हो जाए चाहे बॉडी में प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाए या ब्लड लॉस हो या वाटर स्कारसिटी हो डिहाइड्रेशन हो तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और रेनिन सिक्रेट करता है कौन रेनिन सिक्रेट करता है जो जे जी ए जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हमने पढ़ा था रेनिन सिक्रेट करते हैं रेनिन सिक्रेट होने के बाद जाता है लिवर में और लिवर में वहाँ से एंजियोटेंसिन मिलता है या एंजियोटेंसिनोजेन जेन मिलता है जो कि इनएक्टिव होता है उसे हम एंजियोटेंसिन वन भी कहते हैं वहाँ से फिर वो जाता है लंग्स में जहाँ वो एक्टिवेट होता है और एंजियोटेंसिन या एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट होता है और ये एंजियोटेंसिन मिलजुल कर कई काम करते हैं क्या काम करते हैं पहले इनका एक्शन पाया जाता है एडीएच के ऊपर दूसरा एक्शन पाया जाता है आ, नर्वस सिस्टम के ऊपर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन परफॉर्म करते हैं सिंपैथेटिक एक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और एडीएच का सिक्रीशन कराते हैं एडीएच फिर एड्रिनल मेडुला में एल्डोस्टेर के ऊपर काम करता है और एल्डोस्टेरॉन वापस आता है किसके पास डीसीटी के पास और डीसीटी में सॉल्ट का एक्टिव एब्जॉर्ब कराता है जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है सो so जो वाटर यूरिन के साथ लॉस हो रहा था उसे बॉडी में ज्यादा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एडीएच ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिससे जीएफआर बढ़ जाता है सिंपेथेटिक एक्शन जो है रेट को बढ़ा देता है हार्ट बीट को बढ़ा देता है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है जिससे जीएफआर का रेट कंपनसेट होता है डिटेल में हम लोग ईयर लॉन्ग क्लासेस में पढ़ते हैं लेकिन ये याद रखो कि ये सब मिलकर मिलकर काम करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एनजियोटेंसिन सिस्टम या रास इसे कहा जाता है और इससे क्या किया जाता है यूरिन में जो वाटर लॉस हो रहा था उस वाटर को रीअबजॉर्ब कर लिया जाता है और प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाता है ठीक है और इसलिए एडीएच को एंटी डाईरेटिक हॉर्मोन कहते हैं क्योंकि ये यूरिन अमाउंट को कम करता है कोई ऐसा केमिकल कोई ऐसा सब्सटेंस जो यूरिन अमाउंट को बढ़ाए उसे डाई कहा जाएगा ठीक है जैसे कि टी या कॉफी ये यूरिन अमाउंट को या यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं सो दे आर कंसिडर्ड एज डाईरेटिक एडीएच यूरिन फॉर्मेशन को कम करता है और इसे एंटी डायूरेटिक कहा जाता है अब अगर किसी सिचुएशन में रा सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो रा सिस्टम तुरंत डीएक्टिवेट नहीं होगा उसे डीएक्टिवेट करने के लिए एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे ए एन एफ या एट्रियल नेटियोरेटिक फैक्टर कहा जाता है ये वॉल ऑफ एट्रियम ऑफ हार्ट हार्ट की एट्रियम की वॉल से सिक्रीट होता है और ये धीरे धीरे रास सिस्टम को सप्रेस करता है जब हमारी बॉडी को जरूरत हो सो so, अगर प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन हो गया है तो उसके बाद ए एन एफ सिक्रेट होगा और ये रास सिस्टम को सप्रेस करेगा जिससे चीजें फिर से नॉर्मल अपनी पोजीशन पर आ जाएंगी सो ए एन एफ कॉजेज वैसोडायलेशन ए डी एच वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था ये अपोजिट वैसोडाइलेशन कॉज करेगा डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स देयर बाय डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर ए एन एफ मैकेनिज्म एंड ऑल्सो चेक द रन इन एनजीओटेन्स एल्डोस्टोरॉन मैकेनिज्म यानी रास सिस्टम को चेक करता है रास सिस्टम को रिड्यूस करता है नेक्स्ट आते हैं मिक्चुरेशन पे द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसे हम मिक्चुरेशन कहते हैं और यूरिनेशन तब तक नहीं होगा जब तक एक वॉलेंट्री सिग्नल जनरेट ना हो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और इस सिग्नल को कौन जेनरेट कराएगा तो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरने लगता है तो उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं लगभग 60 से 65 परसेंट जब यूरिन भर जाता है तब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होके इस वॉलेंट्री एक्शन का सिग्नल जनरेट करते हैं जिससे एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है और रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ जो यूरेथ्रल स्टर होता है वो रिलैक्स करते हैं और यूरिनेशन होता है यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर जाता है और ये मैसेज नर्वस सिस्टम से कैसे आता है मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन आते हैं कंसेंट्रेशन इनिशिएट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथरल स्पिंटर यानी ये सिग्नल यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करा रहा है और यूरेथरल स्पिंटर में रिलैक्सेशन करा रहा है जिससे कि यूरेथरल स्पिंटर से यूरिन बाहर की तरफ रिलीज हो और इस रिफ्लेक्स एक्शन को मिक्सुरेशन कहा जाता है या मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है कुछ और पॉइंट ऑन एन एवरेज अबाउट टू लीटर ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड पर पर डे डे लगभग एक से वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर एट भी मान सकते हैं द यूरिन फॉर्म इज लाइट येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम एंड इट इज स्लाइटली एसिडिक पी एच एस का सिक्स मिलता है एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया ऑन एंड एवरेज अबाउट ट्वेंटी फाइव से थर्टी ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे एक दिन में ट्वेंटी फाइव से थर्टी ग्राम वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट दिस्टिक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन को अफेक्ट करते हैं जैसे अगर वॉटर बॉडी में नॉर्मस अमाउंट में वॉटर की कमी नहीं तो यूरिन जनरली कलरलेस होगा या लाइट येलो कलर का होगा जैसे जैसे वॉटर की स्कॉसिटी होती जाएगी बॉडी में यूरिन का कलर येलो की तरफ बढ़ता जाएगा और फाइनली रेड की तरफ हो जाएगा सो so, कई बार हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें यूरिन एग्जामिनेशन से बॉडी में अलग अलग ऑर्गन मेलफंक्शन का पता चलता है जैसे कि अगर हमें यूरिन में ग्लूकोज मिला जो कि कंडीशन होती है ग्लाइकोसुरिया विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए डायग्नोस्टिक कैरेक्टर फॉर डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम बोलते हैं शुगर की बीमारी शक्कर की बीमारी सो डायबिटीज मिलाइटस में ग्लाइकोसूरिया ऑब्जर्व किया जाता है कीटोन बॉडीज मिले तो कीटोनिया और ये भी हमें मिलता है में? में. So, और ये हमें मिलता है है किसमें किसमें डायबिटीज में सो और ये हमें यूरिन एग्जामिनेशन में विच इज फाउंड टू बी अ अरेक्टरिस्टिक फॉर डायबिटीज मेलाइटस इसके अलावा रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन दूसरे ऑर्गन का अगर हम एक्सक्रीशन में रोल देखें तो अदर

प्रेजेंट होता है लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन बिलीवर्ड इन कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेड स्टेरॉयड हॉर्मोन्स वाइटामिन एंड ड्रग मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेज अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट तो जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज लिवर बाइल के थ्रू एक्सक्रीट कर रिलीज करता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं अलॉन्ग विथ मेटाबॉलिक जो डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं द स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं स्वेट यानी जो स्वेट सिक्रिएट करते हैं और ग्लैंड जो ऑयल यानी सीबम करते हैं कैन एलिनेट सर्टन सब्सटें स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड कंटेन वाटरी फ्लूड एन एस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड तो स्वेट में यूरिया प्रेजेंट होता है वाटर प्रेजेंट होता है सॉल्ट प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो लैक्टिक एसिड जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को बैक्टीरिया प्रूफ बनाने में हेल्प करते हैं और हमारी स्किन के पीएच को मेंटेन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक्टिक एसिड का पाया जाना थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी सर्फेस वैसे तो जो मेन फंक्शन है या जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का वो है कूलिंग इफेक्ट को मेंटेन करना इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मैं सिबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सबस्टेंसेज लाइक स्टेरॉल्स हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स जो सिबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड होता है उस ऑयल में स्टेरॉल्स हाइड्रोकार्बन और वैक्स होता है जो ऑयल या सीबम के थ्रू एक्सक्रीट होता है यानी बॉडी से रिमूव विदड्रॉ किया जाता है दिस सिक्रिशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयल इज कवरिंग ऑफ द स्किन डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड बाई स टू यानी सलाइवा के साथ भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है फिर डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो हमारे किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर पाए जाते हैं जैसे माल फंक्शन ऑफ किडनी अगर किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो तो यूरिया का एक्सक्रीशन नहीं होगा ब्लड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा और यूरिया का लेवल जैसे ही बढ़ेगा उसे यूरेमिया कहा जाता है एंड यूरेमिया कैन लीड टू किडनी फेलियर ठीक है ये किडनी फेलियर को लीड कर सकता है अब किसी का किडनी फेल हो गया है तो उसका यूरिया कैसे रिमूव करेंगे उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी यूज की जाती है और उस प्रोसेस को हेमोडायलिसिस कहा जाता है सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस द ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम ए कन्वेंशनल आर्ट्री एंड पम्प्ड इन द आर्टिफिशियल किडनी सो एक डायलिसिस मशीन में पंप किया जाता है ब्लड को जो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है उसमें पंप करने के लिए ब्लड में कुछ सब्सटेंसेस मिलाते हैं ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम कॉन्वीनियंट कॉन्वीनियंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू द डायलिसिस यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकॉगोलेंट लाइक हिपरिन। तो ब्लड को जब डायलिसिस मशीन में जो है पंप किया जाता है तो उसमें एंटीकॉगोलेंट मिलाया जाता है जैसे कि हिपेरिन ताकि मशीन में जाने के बाद ब्लड क्लॉट न करे द यूनिट कंटेनर कॉइल्ड सेलोफेन मेम्ब्रेन तो हमारी जो ट्यूबुलर पार्ट की जो मेम्ब्रेन थी उसी की तरह से आर्टिफिशियल जो डायलिसिस मशीन होती है उसमें सेलोफेन मेंब्रेन पाई जाती है सराउंडेड बाई डायलिसिस फ्लूड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट तो इसमें डायलिसिस फ्लूड का यूज किया जाता है तो ब्लड और डायलिसिस फ्लूड के बीच में क्या होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है सेपरेटेड बाई सेलोफेन मेंब्रेन और यूरिया जो है वो हमारे ब्लड से या फिल्ट्रेट से निकल के आ जाता है किसमें डायलिसिस फ्लूड में द सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एबसेंट इन द डायलिसिस फ्लुइड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाए जाते तो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रीली मूव आउट फ्रॉम ब्लड इन टू द डायलिसिस फ्लूड देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड द क्लियर ब्लड इज पम्पड बैक इन द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन तो उस ब्लड जो ब्लड क्लीन हो गया है उसमें से यूरिया को रिमूव कर दिया गया है उसमें दोबारा उसको दोबारा बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन जिससे कि जो हिपेरिन हमने यूज़ किया था उसका इफेक्ट बॉडी में जाने के बाद ना मिले ठीक है तो एंटी हिपेरिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एंटी हिपेरिन किया जाता है जब ब्लड को वापस बॉडी में डाला जाता है दिस मेथड इज ए बून फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये एक आशीर्वाद है उन लोगों के लिए जिन लोगों जो लोग पूरे वर्ल्ड वाइड किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट इज एन अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर तुरंत जो रीनल फेलियर होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में होने वाले रीनल फेलियर में जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो एक अप्रोप्रिएट मेथड माना जाता है फंक्शनल किडनी इज यूज इन ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर प्रिफरेबली अ क्लोज रिलेटिव तो किडनी जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो डोनर होता है और वो मेनली क्लोजली रिलेटिव होता है टू मिनिमाइज इट चांसेज ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट जिससे कि होस्ट के इम्यून सिस्टम में रिजेक्शन के चांसेज कम हो जाए मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर है सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लीकेटेड टेक्निक तो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं जिससे इस इन रिजेक्शंस को कम किया जाए बेसिकली कुछ कंडीशंस में स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं जो सप्रेसिव होते हैं और इम्यून सिस्टम से होने वाले रिजेक्शन को कम करते हैं इसके अलावा रीनल कैलकुलाई रीनल कैलकुलाई मतलब इन सोलिबल कैलकेरियस किडनी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन मास ऑफ क्रिस्टेलाइज सॉल्ट जिसमें ऑक्जिलेट हमें मिलते हैं जो किडनी स्टोन्स या रीनल स्टोन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इनफ्लमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इनफ्लमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी किडनी में इन्फ्लेमेशन होता है उस कंडीशन को ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहा जाता है जो कि डिसऑर्डर है किस चैप्टर में हमारे इस एक्सक्रीशन चैप्टर में तो ये था बच्चों हमारा वन शॉट एक्सक्रीशन उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में आने वाले और कम से कम टाइम में हमने इसको रिवाइज किया है हाँ ईयर लॉन्ग में अगर हमें मौका मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके एक एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से एलैबरेट करके इसको स्टडी करते हैं वन शॉर्ट में उतना टाइम हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि यहाँ पर हम एक रैपिड रिविजन को डिस्कस करते हैं ठीक है सो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे मिलेंगे हमें अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड थैंक यू